दसवीं का रिजल्ट घोषित, 94.40% छात्र पास, 100% लाने वाले मयंक यादव बने टॉपर। हम भगत सिंह की औलाद हैं, जेल से नहीं डरते, सीबीआई जांच के आदेश पर सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। केरल में मंकी पॉक्स के तीसरे मामले की पुष्टि, यूएई से लौटा था शख्स। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सिंगर को गोली मारने के बाद गुर्गो ने किया था लॉरेंस बिश्नोई को फोन। श्रीलंका के इनकार के बाद संयुक्त अरब अमीरात में होगा एशिया कप, बीसीसीआई ने की घोषणा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर, वाराणसी से है, जहां खाने पीने की चीजों में 5% जीएसटी की बढ़ोतरी को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई। आपको बता दें कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी से ग्राहकों में हलचल मची हुई है। जैसे ही जीएसटी की दरें बढ़ी तो 25 रुपए किलो बिकने वाला आटा अब 28 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। जीएसटी को लेकर के जिस तरीके से 5% की बढ़ोतरी हुई है खाने पीने के सामान में, आपको बता दें कि हम इस वक्त एक गल्ले की दुकान पर हैं, हमारे साथ गल्ले के मालिक बैठे हुए हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या और किस तरीके से महंगाई का असर पड़ रहा है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम बबलू है। बबलू जी, जिस तरह से जीएसटी पर 5% की बढ़ोतरी हुई है, जी जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि गरीब के लिए बहुत हानिकारक है जो, और प्रतिदिन जो है ऐसा हो रहा है कि कस्टमरों से लड़ाई झगड़े की जो है नौबत आ जा रही है। वो कह रहे हैं कि कल हम ये भाव का ले गए, आज ये भाव का हो गया, और जितनी भी पैकिंग सामान है सब पे 5% जीएसटी जो है बढ़ जाने की वजह से भाव में बढ़ोतरी हो गई। और गरीब का मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ों पर तो जो उनको छोड़ देना चाहिए, जैसे आटा है, नमक है, दूध है, इन चीज़ों पे तो ख्याल रखना चाहिए। अब गवर्नमेंट है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है? हमारे साथ एक कस्टमर भी है, हम इनसे ही बात करेंगे ग्राहक से कि क्या है। क्या नाम है? हमारा नाम लव कुमार है जी। क्या लेने आए? आटा लेने आए हैं। कल आटा 25 रुपए किलो था तो आज 28 रुपए किलो हो गया। अब बताइए हम लोग कैसे खाएंगे? तो कहीं ना कहीं हर लोग पर इस वक्त जो महंगाई की मार पड़ रही है उसको लेकर के ग्राहक और दुकानदार सभी लोग परेशान हैं। एक तरफ जहां कोरोना से लोग उभर भी नहीं पाए, उसके बाद जीएसटी की मार, डबल लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ तौर से जो ग्राहक हैं उनके जेबों पर इसका भार पड़ रहा है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफताब आलम। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू की, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उबाल देखने को मिला। वहीं आज इसी कड़ी में गोरखपुर जिले में भी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। देखिए, हम लोग की मांगे यह है कि इस तानाशाह सरकार का घमंड किस तरह चूर किया जाए, जिससे सभी पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी एक डर दिखा रहे हैं। डर दिखाने की वजह यह है कि उनके पक्ष में कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। तो ईडी का धौंस दिखाकर आदरणीय सोनिया गांधी जी को भी अभी उन्होंने दिल्ली में पेश किया था कि सोनिया गांधी डर जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी एक ऐसे परिवार की बहू हैं और एक ऐसे एरन लेडी की बहू है, इंदिरा गांधी की वो बहू है, डरने वाली नहीं है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। ईडी का झूठा खौफ दिखा करके हम लोग को डरा नहीं पाएंगे और इसको इनको वापस लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ का जिला अस्पताल इन दिनों डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। आलम यह हो गया है कि यहाँ स्वीपर और डॉक्टर के ड्राइवर गंभीर मरीजों और
घायलों को ट्रीटमेंट देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मारपीट की घटना में घायल जिला अस्पताल की इमरजेंसी पर पहुंचे तो स्वीपर ने घायल के सिर में टाके लगाते हुए और एक बुजुर्ग के माथे पर बैंडेज करते हुए देखा गया, लेकिन इस मामले में जिम्मेदार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। खबर औरैया से है, जहां पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में ग्राम प्रधानों की समस्या और सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि लोग फर्जी शिकायतें करके प्रधानों को फंसाने की कोशिश करते हैं और प्रधानों के खिलाफ मुकदमा भी सबसे पहले लिखा जाता है, पुलिस पहले छानबीन कर ले उसके बाद FIR दर्ज की जाए, इस तरह की मांग की गई। समस्या बहुत गंभीर सी है, आए दिन प्रधानों के खिलाफ 151 और 116 की कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, जबकि प्रधान का उन कार्रवाइयों से कोई लेना देना नहीं होता। लोग फर्जी शिकायतें करके प्रधानों को फंसाने का प्रयास करते हैं और मुकदमा भी प्रधान के खिलाफ सबसे पहले लिख जाता है। मेरे ज्ञापन की मंशा ये थी कि पुलिस तब मुकदमा लिखे जब बहुत गंभीरतापूर्वक गहन छानबीन कर ले उसके आधार पर, उसके बाद FIR दर्ज की जाए। प्रधान संघ के जो पदाधिकारी हैं वो काफ़ी संख्या में आए थे, प्रधान जी लोग आए थे। इनका ये जो छोटे छोटे बातों पे विवाद होता रहता है और कई में मुकदमे लिखे होते हैं और उनका रोल और पुलिस का रोल किस प्रकार से एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए हो सकता है उस पर चर्चा करने आए थे। उनके द्वारा एक 5 बिंदुओं का ज्ञापन मुझे दिया गया है और अपनी जो 5 बिंदुओं की ज्ञापन की समस्याओं पर भी चर्चा की गई और उनके सुझाव भी दिए गए हैं। मामला थाना गोधा क्षेत्र के गांव कासिमपुर का है, जहां गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 11,000 लाइन के करंट से 2 पशुओं की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा बेचारे बेजुबान जानवरों और पक्षियों को भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि बिजली विभाग गांव वालों की समस्या का समाधान करता है या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता है। ये बिजली की वजह से भय भैया, रात 12 बजे हादसा भय, रात 12 बजे बिजली आई है। तो किसने किस क्या नाम है, कितने अभी पशु मारे गए इसमें? इनमें 3 पशु मारे गए, एक जिंदी है। 11,000 लाइन हमारे गांव में जा रही है तो यहाँ पर पशु मरते हैं, कई बार हादसा हो गया है, पक्षी मर जाते हैं, कई बार शिकायत की हम लोगों ने, कोई सुनता ही नहीं है। ये लाइट की वजह से हुआ है, रात एक संग चिंगारी आई, चिंगारी के साथ एक साथ आग लग गई थी लाइन में, आग लगने की वजह से करंट कर गया जमीन पर लट्ठा के साथ और पूरे प्लॉट में भगदड़ सी मच गई। मेरे पोहे सारे के सारे इधर उधर हो गए, 2 पोहे जमीन से चिपके रह गए तो वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गए। बाद बाकी जैसे फोन किया था गांव वालों ने तो वहां से लाइन कटवाई है, जब पोहे हटाए जो बाद बाकी पोहे बचे थे। तो कितने पशु बंधे हुए थे उस घर में? 5 पशु बंधे हुए थे मेरे। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के संजय नगर के सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख समुदाय से जुड़े बच्चों को एक तुगलकी फरमान सुनाया है। स्कूल के फरमान के मुताबिक अब कोई भी सिख बच्चा स्कूल में पगड़ी, कृपाण या हाथ में कड़ा पहनकर नहीं आएगा, जिसके बाद भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग स्कूल में पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। इसके बाद बिशप द्वारा सिख समाज से माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ। देखिए, ये राइट हमें संविधान ने दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार पगड़ी बांधना हमारा राइट है, हमें अपने धार्मिक ककार जो है चिन्ह पहनने का हमें अधिकार है। अगर सेंट फ्रांसिस स्कूल इसका अवेल ना करता है तो हम कानूनी रवैया अख्तियार करेंगे और उसके अलावा अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो और भी विरोध के तरीके हमें आते हैं, हम उन्हें भी अपनाएंगे। जब 5 ककारों की बात आ रही है, हमारी फाउंडेशन ही 5 ककारों पर है तो उसको आप मना नहीं कर सकते। आप हाउ कैन यू डिनाई किसी की रिलीजियस फ्रीडम को, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। जब आप आर्मी स्कूल्स में, जब आप केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, जब आप आर्मी में जाते हैं, वहाँ बच्चों ने पहनी हुई हैं पगड़ियाँ, तो मतलब क्रिश्चियन स्कूल में अगर इस तरह की बात की जाएगी तो अच्छा एक मैसेज नहीं है समाज के लिए। हम किसी धर्म का विरोध ना करते हैं, ना कि किसी को हम दुख देना चाहेंगे। यदि ऐसा किसी का मन में दुख लगा हो या कोई गलत फहमी हुई हो, उसके लिए मैं खुद हमारे क्रिश्चियन धर्म समुदाय की ओर से और यहाँ के इस विद्यालय की ओर से माफ़ी मांगता हूँ।
खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस ने चार शातिर चोरों को चोरी किए गए अलग अलग कंपनी के 52 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप और अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए माल की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर गिरफ्तार हुए चोरों को न्यायालय के सामने पेश कर जेल भेजा। कोतवाली नगर पुलिस ने बाईपास रोड रेलवे फाटक के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शावेज, आदिल, कासिफ और खालिद, ये सभी के सभी जो हैं मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी और उसके पुनर्विक्रय का काम करते हैं। इनके पास से 52 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप HP कंपनी के, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू नाजायज बरामद हुए। इनमें से 1 लैपटॉप और 4 मोबाइल फ़ोन जो थे वो हमारे बिजनौर की चोरी के थे। शेष के क्रम में अभी सर्विलांस की टीम लगी हुई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां आबकारी विभाग और सिकंदराबाद पुलिस ने पुष्पा अंदाज में तस्करी के लिए ले जाई जा रही शराब का खुलासा किया। बता दें, जैसे ही तस्करों ने पुलिस और आबकारी टीम को देखा, मौके पर कैंटर छोड़कर तुरंत फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की। कानपुर के बिल्हौर में यात्रियों से भरी बस अचानक पलट गई, जिसमें बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। बस का टायर फटने से अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई। फिलहाल पुलिस और मेडिकल टीम की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। करीब 10:30 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक बस नंबर BR06 PF 2850, ये वाल्वो बस है जो दिल्ली से बिहार जा रही थी। किलोमीटर 221 पर एक्सीडेंट हुई है। पिछला टायर इसका फट गया था, जिससे बस पलट गई। इसमें से 11 लोग घायल हुए हैं, जिनको CSC में जिनका इलाज चल रहा है। वहां तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पुलिस देख रही है और कोई बात नहीं है, बाकी शांति व्यवस्था है। जो यात्री हैं उनको उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया जा रहा है। अन्य मैं भी मौके पर जा रहा हूं, बाकी सब ठीक है। भारत पहले से विश्व गुरु के नाम से इतिहास में रहा है। कहीं ना कहीं उस आस्था से जुड़ी भक्ति को ध्यान में रखते हुए थाईलैंड के 3 पर्यटकों ने बुद्ध नगरी के सटे प्राचीन विख्यात बाजार रामनगर में निर्माणाधीन शिव मंदिर में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक किया। इस दौरान पर्यटकों ने पूरे विधि विधान से चंदन का तिलक लगाकर पूजा अर्चना की। बता दें, इस दौरान मंदिर के व्यवस्थापक मनोज प्रजापति और हरिशंकर राजभर पर्यटक आदि लोग इस क्षण के साक्षी बने। थाईलैंड के रहने वाले हैं और क्योंकि जो भी कल्चर है बॉडीज का, वहाँ के लोग हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, जैसे कि शिव पूजा, लोग बनारस जाते हैं गणेश जी की पूजा, तो उनकी आस्था लौट रही है भगवान शिव का, इसीलिए उस समय जब भी आते हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां एक भाई ने बहन की हत्या करके शव को आंगन में दफना दिया। वहीं इस मामले में परिजनों को पता लगते ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई कर शव को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। थाना सिरसिया में सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीय एक लड़की किसी से मोबाइल पर बात करती थी, उसका भाई मना करता था, आपस में कहा सुनी भी हुई थी। 10-12 दिन पूर्व लड़की ने सुसाइड कर लिया। परिजनों द्वारा शव को घर की बाउंड्री के अंदर गड्ढा खोदकर छिपा दिया गया था। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार शव को निकलवा कर PM हेतु भेजा गया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।